हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवास साहब जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही एमडब्ल्यू अंसारी जी पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अंसारी साहब आपके पास ही आना चाहूंगा, ये तमाम प्रश्न जो जनता के दिमाग में हैं इस कल की घटना को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या कहीं कोई चूक हुई है जिसके चलते नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, मैं इस घटना को एक तो स्ट्रांग वर्ड्स में कंडेम करता हूं, मैं ये कावर्डिस एक्ट है नक्सलाइट्स का। दूसरा, मैं इन तमाम जवानों के प्रति, उनकी फैमिली के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ये महेश गागड़ा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, और वहां के तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस के था उनको भी जानता हूं मैं। यहां पे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स या सियासत नहीं होना चाहिए। ये मामला पूरा पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा जुड़ा हुआ है। जो सवाल कर रहे हैं कि कहीं न कहीं चूक हुई, देखिए जब ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो राउंड द क्लॉक ये कहीं न कहीं संभव नहीं हो पाता है कि उसको मैन किया जाए या देखा जा सके। निश्चित ही एक अनुमान के तौर पर यह लग रहा है कि कम से कम जो है एक्सक्लूसिव जो है 42 केजी से ज्यादा होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि चेसिस से लेके गाड़ी का जो पार्ट है, जो व्हील्स वगैरह है, 50-50 मीटर जाके बिखरे हैं और एक साथ में कम से कम 10 जवान प्लस ड्राइवर चला गया है। तो ये कहना कि बहुत बड़ी चूक हुई, देखिए जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है जी निश्चित ही जो है उस पर टाइम पे लगाया होगा, अदरवाइज आज नक्सलियों के जो उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है ये जो है एक तरह से गोरिल्ला वारफेयर कह लीजिए या एम्बुश का हो गया है। तो उन्होंने इसको घात लगा के बहुत डीप इसको प्लांट किया होगा, एक चीज। दूसरा, ये उस एरिया में अगर जाके देखें जो अरनपुर का एरिया जो बता रहे हैं, ये घोर जंगल वाला इलाका है और उसके साथ साथ अभी भी बस्तर संभाग का जो कोंडा गांव से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और डीप इनसाइड अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। दूसरा, राजन गांव का भी पोर्शन जो है वो नक्सलियों से प्रभावित है। और आज के डेट पर देखा जाए, अगर आप टेक्टिकली अगर मतलब देखें, अगर पुलिस के एंगल से देखेंगे तो अप्रैल से लेकर जून के बाद में जब ये खुला मौसम हो जाता है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये नक्सलियों का ये एक उनका अपर हैंड होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द सीजन में देखा जाए तो पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि नक्सलियों की वारदात में अभी जो कह रहे हैं कि 60% कमी हुई, मैं समझता हूं कि काफी कमी आई है। ये क्या इसका कारण ये है अंसारी साहब जो आप बता रहे थे कि अपर हैंड होता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ जाते हैं जंगलों में तो जो दृश्यता है वो बढ़ जाती है, तो इस लिहाज से उनका एक अपर हैंड हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही एक पोजीशन ले चुके होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है, हम इसी को बताना चाहते थे कि पतझड़ का मौसम होता है और वो उनको एक एडवांटेज होने के वजह कि रात दिन वो खुले में रहते हैं और साथ साथ जो है देखिए ये इंटरनल जो एनिमी होता है वो इनविजिबल होता है, वो इनकॉग्निटो रहता है, वो वहां के आदिवासियों के साथ मिल जाता है। उनको काउंटर करने के लिए जो डीआरजी जो हमारा फोर्स है, ये 2008 में ये जब मैं वहां पे एसपी था तो बाकायदा मूट आउट किया गया कि भाई ये जिस प्रकार के इंटरनल प्रॉब्लम है, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उनको काउंटर करने के लिए हमें स्थानीय लोगों को जब तक जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो इस उस आधार पर बनाया गया है और ये आज तो कल नक्सल को खत्म होना पड़ेगा, उनको वायलेंस को, हिंसा को त्याग करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक मींस को उनको अख्तियार करना चाहिए। और आप बता दूं कि ये मैं समझता हूं कि पिछले साल एक वारदात हुई, उस साल के बाद अब हुआ है और लगातार 2010 के बाद लगातार डिक्लाइन पे हुआ, लेकिन कभी न कभी अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए वो इस तरह की वारदात करते हैं जी। और ये बताऊं कि इसमें कहीं भी मैं नहीं समझता कि हमारे जवानों ने कहीं पे कोई चूक हुई है। हाँ भाई, ह्यूमन बीइंग है, लैप्सेस होते हैं, लेकिन कहें कि मेजर सिक्योरिटी लैप्स हुआ वैसा नहीं हुआ। 8-8 गाड़ियां, जैसे आपने खुद ही बताया है कि 8 गाड़ियां थी जिसमें 80 जवान थे, उसमें से एक व्हीकल जो है फंस गई। उनके पास जो सिस्टम है रिमोट से ब्लास्ट जी, वही जो आप जो भी है, तो उसपे आप देखेंगे कि अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि मैं वहां के सीनियर ऑफिसर से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पे बाकायदा जो है हमारे जवानों ने उन पर काउंटर अटैक भी किया है। और चूंकि
ये बताऊं कि जब भी कोई मेजर इस तरह का ब्लास्ट होता है तो जो इतना उसका इम्पैक्ट होता है व्हीकल का, इतना साउंड होता है कि वो कहीं न कहीं उस पर संभलने का उनको बिल्कुल 50 किलो विस्फोटक का अगर विस्फोट होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर होगा। सड़क का जो हाल है देखिए 40 से पता लग जाता है जी। हाँ 40-50 केजी से कम नहीं होगा जो उसका बताया जा रहा है कि इतनी हाइट गई होगी। मेरे पास कई और भी सवाल हैं आपके लिए अंसारी साहब, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं बहुत नजदीक से, आपने पूरा देखा है जो फोर्स है उसके बारे में भी आपने हमें जानकारी दी है। मैं अश्विनी सिवास साहब को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। सिवास साहब आपने भी सुना अंसारी जी को, वो वहां पर रह चुके हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट हैंड उनको एक्सपीरियंस भी है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही, उनका उनका ये आकलन है कि शायद ये जो विस्फोटक है सड़क जब बन रही होगी तब इतना नीचे छुपाया गया होगा, तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ये सड़क ये पॉसिबिलिटी बता दो पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी सड़क कंस्ट्रक्शन के टाइम पर होता है जो उसको तो सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सिवा साहब ये सवाल उठता है कि ये वही सड़क है जिसको बनाने के लिए कई जवानों ने अपनी जान दी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है नक्सली उनकी कोशिश ये थी कि ये सड़क न बन पाए ताकि जो विकास है वो उस दूर दराज के इलाके में न पहुंच पाए। तो ऐसे में चुनौती तो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक आशंका ये भी है कि शायद और भी जगह पर इस तरह की जो जिंदा बारूदी सुरंग है वो होंगी। क्या हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं ये कि हम इनका पता लगा सकते हैं? मैं चूंकि जानता हूँ एरिया जो है मोस्ट डिफिकल्ट जी अंसारी साहब, मैं आता हूँ आपके पास जी। जी सिवास साहब देखो ये सच्चाई है अखिलेश कि जो अभी मिलिटेंसी या माओइस्ट या नक्सल जो है उसका बेसिक रीजन है कि उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो डेवलपमेंट के कारण बेसिकली ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना रोड थी, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई फैसिलिटी। मगर लास्ट 10 साल में बहुत फर्क आया है और अब जो है जो नक्सल से प्रभावित इलाके थे वो घट के 1/3 से भी कम रह गए, क्योंकि वहां पर सड़कें भी बनी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आया है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों के मन में एक मन कुटाव था कि वहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक्सप्लॉइट करके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ले जाती। मगर अब बदलाव इतना आया है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल्स को मिल रही है। अब मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। देखो मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं, मैं कश्मीर घाटी में 25 साल के करीब काउंटर टेररिज्म में लड़ा हूं और मैंने 1 साल का स्पेशल कोर्स किया अमेरिका से भी हवाई के अंदर। सच्चाई यह है कि ये जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजिव जो आईडी 50 केजी का एक सड़क जो कि मेटल है वो कैसे लगा। मैं इस बात से मानता हूं कि हो सकता है ये जब रोड बन रही थी उसी समय इसको लगाएगा, और ये एक जगह नहीं है, ये और जगह भी हो सकता होगा। ये हमारे लिए चैलेंज है, हमें इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा माइन डिटेक्टर से, वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 3-4 फीट के अंदर जब दबा दिया जाता है तो माइन डिटेक्टर भी कई बार उसको पहचान नहीं पाता। दूसरा ये भी सुनने में आया है मैंने कि जो सड़कें बनी है वो थोड़ी हाइट पे है और दोनों तरफ जो है खाई खोदी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो खाई है उससे टनलिंग इफेक्ट करके जो माओइस्ट ने उसमें आईडी डाल दिया। ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, मगर दोनों पॉसिबिलिटी है। एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसे डीजीपी साहब भी बोल रहे थे, ये जो रेज की थी ये एक लोकल लोग हैं, इसके अंदर कुछ सरेंडर माओइस्ट भी है। ये एक पैरेलल ड्रॉ किया गया था जो कि हमने, मैं टेरिटोरियल आर्मी को हेड किया 2 साल, वहां पर हमने कश्मीर घाटी के अंदर जो होमन अर्थ किए है उसमें सन ऑफ द सॉयल लोगों को लिया है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता और एक इक्वानी बटालियन है 1-2 जिसके अंदर सरेंडर मिलिटेंट्स को लिया, क्योंकि उनको उनकी टैक्टिक्स पता होती है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को इसलिए उन्होंने टारगेट किया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये जो माउस कैसे ऑपरेट करते हैं। और इससे मैं भी सहमत हूं, ये जो TCOC अभी जो कैंपेन सीजन है वो है कि इस टाइम में जो हर साल ये नक्सल जो है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं विजिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं यही कहूंगा कि 2 बातें हैं इस ऑपरेशन में, हमें अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए, कहीं ना कहीं रोड ओपनिंग में कहीं ना कहीं खामियां रही है, क्योंकि जब सैनिटाइज करना है आपको उसको आईडी जो आपके माइन डिटेक्टर से आपके आपके पास डॉग स्क्वाड है उसको देख के दोनों तरफ से आपको उसको ऑपरेट करना, कि जब तक रोड ओपनिंग ना हो आप अगर चलते तो बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा एक बड़ा गार्डन प्रिंसिपल है
जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते से नहीं आते। मुझे मालूम नहीं कि ये आए हैं नहीं आए, मगर ये कार्डिन प्रिंसिपल है। बिल्कुल, हमसे भी बहुत गलती जी, ये सारी बातें में हमसे भी गलती हुई। जी, जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 25 साल के, ऐसी गलती हमसे भी हुई है। और जहां पर भी कुछ ऐसा होता है हमें लेसन लर्न करने हैं। अब जो आपका पुंछ के अंदर हुआ है उसमें भी बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, अकेली गाड़ी जा रही थी तो वो क्यों गई थी, क्या वो जो ईद के लिए इफ्तार पार्टी, वो तो हाँ सामान लेके जा रहे थे ईद के लिए, मगर वो इन्फॉर्मेशन तो पास होगी ना। मेरा मतलब ये है अखिलेश जी कि हमें हर चीज से सीखना है, और अब 10 लोगों की, 10 जवानों की जान जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ये है कि अब माहौल चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज जो माओस्ट है, नक्सल है, उनका मेन मकसद है किसी प्रकार से वो अपने आप को रेलिवेंट दिखाएं, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम दूर होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वन अप शिप नहीं है। आज से 7-8 साल पहले आप देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती थी, आज NIA और IB इनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है, अगर ISI का हाथ है वो भी बताया जाता है। और जो ये नक्सल हैं ये उन इलाकों में ऑपरेट करते हैं जो कि 3-4। बिल्कुल सिया साहब, कई सारे सवाल उठते हैं, मैं आपके पास वापस आने का प्रयास करूंगा, हालांकि मेरे पास समय की अभी कमी है, लेकिन मैं संक्षेप में अंसारी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें आपने कही और जो बात सिवास साहब ने भी कही, कहा कि जो माओवादी समस्या है उससे निपटने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका भी फिलहाल ये DRG बली दिखाई दे रहा है, जो कि लगातार इस इलाके में जाकर के कार्रवाई कर रहा है। तो जो कल की घटना हुई है इससे आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो? देखिए ऐसा है कि ये मैं निश्चित ही मैं समझता हूँ कि तमाम वहाँ के फोर्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है ROP SOP और तमाम जो इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो किया होगा। बीइंग ह्यूमन बीइंग, आदमी जब थक जाता है तो कहीं ना कहीं लैप्सेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेजर जनरल साहब ने बात कही है कि ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इतना बड़ा RDX जो है 3 से लेकर 4 फीट रखा गया होगा, नंबर वन, और साइड से डेप्थ है उसको एलिवेशन देके बनाया गया, क्योंकि मैं जब वो सब बन रहा था ये हम ही लोगों का काम था कि भाई डीप इनसाइड जो अरनपुर एरिया है बहुत डीप इनसाइड है, मैं सब उस एरिया को जानता हूँ। रोड की कनेक्टिविटी जो है वहां पे काफी बढ़ा है, और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पहले के बनिस्पत काफी बना है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि मैं 87 में वहां पे था, 90 में वहां पे था, 2002 में था, 2005-06 में था, तो काफी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी की वजह है कि ये लोग अब बैक फुट पे है, लेकिन अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए ये सब ये काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि पुलिस ने कहां पे गलती किया या गवर्नमेंट, उसमें नहीं जा रहे, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब आगे इससे हमने क्या सीखा है कि आगे इस तरह से ना हो कुछ। देखिए ये इसकी गारंटी जो है, जो इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम इश्यूज जो है, जब तक लोकल स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, अच्छा वो बेहतर तरीके से जो गोरिल्ला या गोरिल्ला वारफेयर कह लीजिए या एम्बुश की जो कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, उनको बेहतर तरीके से काउंटर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कि नक्सल है वहां पे, तो वो गांव वालों के या लोकल स्थानीय लोगों के साथ मिलके इस तरह का अंजाम देते हैं। अब रहा सवाल कि ये दूर से देखिए, बता दूं कि जो इतना बड़ा RDX वो प्लान किया होगा तो इसको बहुत ही आसानी से 200 से लेके 500 गज की दूरी से वो मैप गाड़ी जा रही है उसको स्विच दबाते किया होगा, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा वो जो प्लान करते हैं वो उसको मार्क कर लेते हैं, और मार्किंग के तरीके बहुत कुछ होते हैं, वो अलाइनमेंट जो है पेड़ से करते हैं, कोई ऐसा जो है बॉडी होता है जो कि क्या कहेंगे उसे लैंडस्केप होता है, उसे मार्क करते हैं, उसे अलाइनमेंट करके लेके जमाते हैं। तो अभी भी कहना कि आगे जो है क्या होगा, जाहिर सी बात सरकार जो है वहां के ऑफिसर जो है इससे से लर्न तो लेसन करेंगे, पूरी तरह से सक्षम है और निश्चित तौर पर पूरी तैयारी भी की होगी। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माफी चाहता हूं मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सिया साहब क्या होगा जी, बिल्कुल जी, सिया साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।